ओके तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों मैं धर्मेंद्र सिंह कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के इस जबरदस्त वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है ये एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होने वाला है। आपने एक सीरीज देखी है एग्रो प्रोडक्ट की, जिसमें हम सभी प्रकार के जो एग्रो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। डिटेल में जो नॉलेज है वो उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें जो एक इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, वो इस वीडियो के अंदर हमें मिलने वाली है एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के ऊपर। और क्या आप इस वीडियो को एंजॉय करना चाहेंगे, इसको देखना चाहेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि बहुत कुछ हमें यहां पर सीखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप एग्रो के ऊपर बिजनेस करने के लिए उत्सुक हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। तो आइए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज हम किस प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली बात करने जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कीवा ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। और आज के इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी प्लांट्स के लिए, फसलों के लिए। तो दोस्तों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में। इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप ये मान के चलिए कि अगर एक एकड़ में मुश्किल से एक पाउंड के बराबर जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं या चाहिए होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ये बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन जो है ये प्ले करते हैं हमारी फसलों को ग्रोथ करने के लिए। आप ये मान के चलिए कि अगर प्लांट में कुछ अबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फसल की पैदावार नहीं हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है, आप चाहे महंगे से महंगे जो फर्टिलाइजर वगैरह है, कुछ भी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नाइट्रोजन वगैरह भी है, वो नाइट्रोजन भी किसी काम का नहीं रहता है अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में प्लांट के अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा होती है। कई बार होता है कि बीमारी पकड़ में नहीं आ रही होती है, रीज़न हम सब कुछ इस्तेमाल करके देख चुके होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, और 8 तरीके के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जैसे कि बोरॉन, क्लोराइड, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, निकल और जिंक। तो दोस्तों ये 8 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारे पौधे की फसल की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए दोस्तों कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आपके लिए यहाँ पर कीवा ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेके आई है, इसकी वजह से आपकी फसलों के जो रिजल्ट है, जो ग्रोथ है, वो सभी इसको यहाँ पर बढ़ाने का काम करती है। तो दोस्तों ये बेसिकली कीवा ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है और किस तरीके से काम करते हैं वो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन जो है वो कंपनी ने तैयार किया है लिक्विड फर्टिलाइजर का, जिसके अंदर सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपकी फसल की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये आपकी फसल को, आपके पौधों को जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कंप्लीट करने का काम करती हैं। कंसंट्रेटेड ब्लेंड है ये बेसिकली, कि जो कंप्लीट मात्रा, जो जितने भी मात्रा चाहिए उसको ये पूरा करने का काम करता है हमारे फसल के ऊपर, और हमारी मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो ग्रोथ है, जो लिमिटेड हो चुकी है, उसको वो बढ़ाने का काम करता है ताकि वो प्रॉपर हो सके। और दोस्तों बेस्ट पार्ट है इसका कि इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट्स नो हाउ इट वर्क, आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली दोस्तों कि ये क्रॉप की जो ग्रोथ है उसमें जो डेफिशिएंसी आ रही है उसको ठीक करने का काम करता है। जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उनकी इंप्रूवमेंट करता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल की प्रोडक्शन को वहां पर सपोर्ट कर रहा है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो यूटिलाइजेशन है उसको इंप्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो फसल की ग्रोथ है वो होनी शुरू हो जाती है, क्रॉप की जो क्वालिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो प्रोफाइल है मिट्टी के अंदर उसकी उपजाऊ शक्ति को वहां पर बढ़ाने का काम करती है, और इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट्स के लिए,
प्लांट को हेल्दी रखता है, ग्रीन रखता है और उनको उनकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का भी काम करता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्रोसेस, यानी कि जब फसल के ऊपर, पौधे के ऊपर जब फ्लावर आने की स्टेज होती है, जब फ्रूट बनने का जो प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसको वो इंक्रीज करता है, बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से फसल की जो पैदावार है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जो है प्लांट के लिए और गार्डन की सॉइल के लिए, आप इसको दोनों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए, इसमें बेसिकली क्या क्या जो चीजें हैं वो पाई जाती हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन जैसे कि आयरन 2.10% वेट बाय वेट है, मैंगनीज 0.50% वेट बाय वेट, जिंक 5% वेट बाय वेट, कॉपर 0.20% वेट बाय वेट और बोरॉन 0.50% वेट बाय वेट जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और लास्ट में अगर बात करें डोसेज की, बिल्कुल सिंपल है, 35 से 40 ml कीवा ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट को 15 लीटर के पानी में मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छे तरीके से शेक कर लीजिए और बच्चों की पहुंच से इसको डेफिनेटली दूर रखिए। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें इस्तेमाल करने का, जैसे कि आप इसको ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं। अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 500 ml कीवा ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट को 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज 1 लीटर 1 एकड़ के लिए सफिशियंट होता है, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक डिटेल इन्फॉर्मेशन कीवा ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस प्रोडक्ट की वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके ये जो कमेंटिंग है, आपके ये जो लाइक्स हैं, आपके ये जो शेयर्स हैं, हमारे अंदर उत्सुकता पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, मोटिवेशन देने का काम करते हैं, और इसी प्रकार से हम और बहुत सारी जो वीडियो है वो आपके सामने लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आशा है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।